हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स आप लोग? आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, मस्त होंगे। मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ, मस्त हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ रक्षाबंधन के लिए मेकअप लुक कैसे करें और किस तरीके से आप सिंपल मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो रक्षाबंधन के दिन। और सबकी अलग अलग चॉइस होती है, किसी को डार्क मेकअप लुक पसंद आता है, किसी को लाइट मेकअप पसंद आता है। मुझे थोड़ा सा लाइट मेकअप अच्छा लगता है रक्षाबंधन जैसे। कोई कोई त्यौहार में थोड़ा हैवी मेकअप करते हैं, रक्षाबंधन जैसे मैं थोड़ा सा लाइट और सिंपल मेकअप करती हूँ। तो चलिए के साथ शेयर करती हूँ कि मैं रक्षाबंधन पर किस तरीके से रेडी होती हूँ। तो ये जो मेकअप है आप किसी भी ओकेजन में आप क्रिएट कर सकते हैं रक्षाबंधन के लिए, ये बेस्ट है, सिंपल भी है। तो ये मेरा आउटफिट था, मैंने शरारा डाला था और सिंपल सा टॉप मैंने डाला था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेकअप करना। तो सबसे पहले मैंने टोनर लगा लिया था, फेस वॉश भी मैंने कर लिया था। इसके बाद हम पहले मॉइस्चराइज़र लगाएंगे ताकि हमारी स्किन अच्छी लगे, हाइड्रेट लगे। और गाइस, मैं बहुत ही सिंपल मेकअप लुक कर रही हूँ। वैसे कभी कभी मेरा मूड पे डिपेंड होता है, कभी मेरा मूड होता है तो मैं हैवी मेकअप करती हूँ। लेकिन गाइस, हर ओकेजन में हम हैवी मेकअप नहीं कर सकते हैं, कुछ ओकेजन में हम सिंपल से भी रेडी होना चाहते हैं। मैं तो रक्षाबंधन के दिन में थोड़ा ज़्यादा मेकअप नहीं करती, थोड़ा सा हैवी ही मेकअप रहता है। तो उसके बाद जैसे कि रक्षाबंधन के सुबह तैयार होते हैं हम लोग, तो मैंने यहाँ पे SPF लगाया है, क्रीम, डे क्रीम लगाई है मैंने, ये गुड वाइफ की है। और अच्छे से मैं इसको अप्लाई करूँगी। तो नाइट में जब हम ओकेजन में जाते हैं या फिर कोई फंक्शन होता है तो थोड़ा सा हैवी मेकअप अच्छा भी लगता है, लेकिन दिन में ज़्यादा मेकअप अच्छा भी नहीं लगता है। तो वो सिंपल मेकअप जितना करो उतना ही बेस्ट रहता है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे प्राइमर लगाई हूँ, तो इसको भी अच्छे से लगा लेंगे। तो उसके बाद हम यहाँ पर क्रायलोन का मैंने डर्मा पैलेट लिया है, तो यहाँ से मैं कंसीलर लगा रही हूँ। और उससे ही आज मैंने फाउंडेशन नहीं लगाऊंगी, इस कंसीलर का थोड़ा शेड लूंगी और अच्छे से मैं ब्लेंड करूंगी। आई डार्क सर्कल के लिए बेस्ट होता है। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से और थोड़ा सा कंसीलर लिया है अपना शेड से, और उसके ऊपर मैंने BB क्रीम थोड़ा सा ली हूँ और अच्छे से दोनों मिक्स करके अच्छे से ब्लेंड कर देंगे ताकि फाउंडेशन की भी ज़रूरत ना लगे। और ये फुल कवरेज है, पैलेट है। और वैसे भी क्रायलोन का सुपरा और डर्मा दोनों ही बहुत ही बेस्ट होते हैं, उसमें सारे शेड अवेलेबल होते हैं, तो अलग अलग फाउंडेशन लाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसी से ही हम अपना मेकअप क्रिएट कर सकते हैं, कॉन्टोरिंग वगैरह सब उसमें शेड अवेलेबल होते हैं, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो उसके बाद हम यहाँ पे लूज़ पाउडर की मदद से अच्छे से ब्लेंड करते हुए लूज़ पाउडर की मदद से हम कंसीलर और जो भी लगाया है BB क्रीम उसको सेट कर देंगे ताकि हमारा जो है वो बेस हमारा रेडी हो जाए। तो यहाँ पे देखिए हमारा सिंपल सा बेस जो है हमने रेडी कर लिया है। तो आईब्रो मेन होती है, तो सबसे पहले हम आईब्रो को अच्छे से सेव कर लेंगे, आईब्रो को डिफाइन कर लेंगे। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे पीच कलर का, लाइट पीच कलर का मैंने शेड लिया है, उससे मैं ब्लशर लगाऊंगी। कॉन्टोरिंग वगैरह कुछ की नहीं है, पीच कलर से मैं आज ब्लशर लगाऊँगी। ज़्यादा हैवी ब्लश भी अच्छा नहीं लगता सुबह सुबह, तो नाइट में अच्छा भी लगता है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लैक कलर का आई शेडो लिया है और हल्का सा पतला सा लाइनर की तरह ड्रॉ किया है मैंने, और उसको ही ब्लेंड करते हुए जाएंगे। तो बिल्कुल सिंपल सा लुक हम लोग को करेंगे आज। तो देखिए पहले मैंने लाइनर की तरह ड्रॉ किया उसको, और ये पाउडर जैसा आई शेडो होता है वही आई शेडो ही है ब्लैक कलर का। तो उसको हम अच्छे से लगा के अच्छे से ब्लेंड कर देंगे हल्के हल्के हाथों से। और मैंने यहाँ पे मस्कारा अप्लाई किया है, तो बस इतना ही आई मेकअप में करूँगी। और हल्की सी कोई भी लिपस्टिक मेरे पास, ये लैक्मे 925 का भी बहुत ही अच्छा शेड है।
तो ये देखिए कोई हल्की सी लिपस्टिक मैंने यहाँ पे लगा ली है, ज़्यादा हैवी लिपस्टिक भी नहीं अप्लाई की है मैंने, और हाइलाइटिंग भी बहुत ही ज़्यादा, बहुत आप देख सकते हो बिल्कुल लाइट लगाया है। अदरवाइज़ मुझे हाईलाइट तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे सेटिंग स्प्रे लगा लेंगे और मेकअप को हमारा सेट कर देंगे। थोड़ा सा ही मेकअप लगाया था लेकिन अच्छे से सेट कर देंगे। और उसके बाद ईयरिंग्स डाली है मैंने ऑक्सीडाइज़ की, आज ऑक्सीडाइज़ की ज्वेलरी डालूँगी। इसकी यहाँ पर नेकलेस भी मैंने पहना है ऑक्सीडाइज़ का, जैसे कि मैंने पहले भी बता चुकी हूँ मुझे ऑक्सीडाइज़ की ज्वेलरी बहुत ही ज़्यादा पर्सनल फेवरेट है मेरी। तो ये देखिए, और मैचिंग की मैंने यहाँ पे चूड़ी दो डाल ली थी मैंने, और यहाँ पे मैचिंग की मैंने बिंदी लगा ली है। और ये है मेरा फाइनल लुक। आप बताना मुझे कमेंट करके कि मेरा फाइनल लुक कैसा लगा आपको। मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।